हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और संघ की कार्यपालिका जो होती है उसमें कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है और इंडिया का फर्स्ट नागरिक होता है। इसके अलावा जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि जो निर्वाचन मंडल होता है उसके सदस्यों द्वारा होता है। उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्रीय प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में भी जबकि विघटन सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ हो, तो इसके लिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व हो समान रूप से हो, इसके लिए एक निम्न प्रकार से निर्धारित होती है संख्या। तो प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होता है। तो एक विधायक के मत का जो मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो जो विधायक के मत का मूल्य और संसद सदस्य के मत का मूल्य अलग अलग होता है। तो जो संसद सदस्य के मत का मूल्य होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का जो कुल मूल्य होता है बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो जो निश्चित मतों का भाग होता है वो इक्वल टू कुल वैध मत बटा 1+1=2+1। तो निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने की उम्मीदवार होते हैं। तो प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है। तो जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनमें अगर कोई विवाद हो तो उसकी जो जांच होती है सुप्रीम कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के सदस्यों ने जो अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था थी इसकी आलोचना की थी और इसे असंवैधानिक बनाया था, लेकिन इसे चुना गया था। इसके पीछे कुछ कारण थे। तो उनमें से एक ये है कि राष्ट्रपति का जो अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है।
यह एक अव्यवस्था होती है यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता और उसे वास्तविक शक्तियां ना दी जाती। तो राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती है क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का मुखिया होता है। तो अगर राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष मतों द्वारा निर्वाचित किया जाता और निर्वाचित होने के बाद भी अगर उसे शक्तियां ना दी जाती, जैसे वो कुछ कर नहीं सकता, जितनी शक्तियां प्रधानमंत्री के बराबर होती हैं, तो ये एक अव्यवस्था की तरह होता। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा अर्हताएं हैं, शपथ एवं शर्तें। तो राष्ट्रपति के जो पद है उसके लिए जो क्या क्या योग्यताएं हैं, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बन सकता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। और इस तो एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता, तो ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। जो प्रत्येक उम्मीदवार होगा रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करेगा, और यदि जो उम्मीदवार है कुल जितने भी मत डाले गए हैं उनका 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो राशि जब्त हो जाती है। तो 1997 से पहले प्रस्तावकों व अनुमोदकों की जो संख्या थी वो 10-10 थी तथा जमानत राशि 2,500 थी, और 1997 में इसे बढ़ा दिया गया था। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, और जो शर्तें हैं इसकी राष्ट्रपति के पद की, वो संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो 2008 में राष्ट्रपति का जो वेतन था वो 1,50,000 रुपये कर दिया गया था, और 60,000 रुपये तक कार्यालयीन खर्च मिलता है, फोन, कार, चिकित्सा आदि की सुविधा मिलती है। और जब अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उनके पति पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलती है, और वो उतनी होती है जितनी उस समय का जो राष्ट्रपति होता है उससे आधी, जितना ले रहा होता है पूरा वेतन उसका आधा मिलता है। इसके अलावा उन्हें 12,000 रुपये प्रतिवर्ष कार्यालयीन खर्च मिलता है, और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और अपने कार्यालय के दौरान उन्हें किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पदावधि, महाभियोग, पद रिक्तता। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। किसी भी समय त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाअभियोग चलाया जा सकता है और उसे हटाया जा सकता है। तो जो महाभियोग का जो आरोप संसद के किसी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, इन आरोपों पर संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी हो चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पास होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। तो एक महाभियोग जो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था वो महाभियोग में भाग ले सकते हैं। दूसरी है,
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। तो राष्ट्रपति का पद किस कब रिक्त हो सकता है? तो ये 5 वर्ष पूरे होने पर, उनके त्यागपत्र देने पर, महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाने पर, उनकी मृत्यु पर, अन्यथा जैसे यदि वो पद ग्रहण करने के लिए अर्हक ना हो या अवैध घोषित हो। तो यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य रिक्तता से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर करवाना चाहिए। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति होता है, जब तक नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता तब तक वो राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्य का वाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और यदि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त होता है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश हो वो कार्यवाहक रूप राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। और यदि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है अगर उसका पद भी रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो शक्तियां व कर्तव्य राष्ट्रपति की 5 शक्तियां निम्न है: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां।